मुश्ताक भाई, एक चीज मुझे पूछना था। हम 1994 के अंदर, यानी कि मैं अपनी मिसाल ले लूं, अपने घर की मिसाल ले लूं, कि जब मैं पिटारो में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो आई हैव गॉट लाइक 2-3 कैडेट कॉलेजेस। उन तीनों के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडमिशंस को पास पास कर लिया था, जिसमें एक स्टील कैडेट कॉलेज भी शामिल था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें किस चीज को ज्वाइन करना है, यानी कि कौन से कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करना है। फिर फैसला ये हुआ कि कैडेट कॉलेज पिटारो में आपको जाना है, तो हम वहां पे मूव कर गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि पिटारो में हमने पढ़ा। पिटारो में पढ़ने में हमें जो हमारी सलाहियतें, क्योंकि मैंने जो पिटारो को ऑब्जर्व किया वो ये है कि आपकी जो अपनी सलाहियतें होती है ना, पिटारो उसको पॉलिश कर देता है। यानी कि आप अगर गेम्स में बहुत अच्छे हो, तो पिटारो उसको जो है वो पॉलिश करके आपको जबरदस्त चीता बना देगा। इसी तरीके से अगर आप डिबेट में अच्छे हो, तो आपको पिटारो इतना जबरदस्त पॉलिश कर देगा कि यू विल बी द चैंपियन, तो सो एन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो चीज मैंने देखी है वो ये देखी है कि ना, जो आपके पास है वही आपको के मिल रहा है, लेकिन जो एडिशन है, जैसे ISSB की ट्रेनिंग, या कोई जैसे कॉलेज जो है वो मिलिट्री कॉलेज है ना, तो उसके तहत हमें इतना ज्यादा नहीं कर रहा था। मैं आई आई डोंट नो अबाउट प्रेजेंट, लेकिन हमारे जमाने में जो है वो इस तरीके से नहीं हुआ। यानी कि एक प्रॉपर हमें गाइड या पाथ देने वाला या कुछ करने वाला वो नहीं मिला। उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही हम पिटारो से बाहर निकले, तो फिर वही हम जो फर्स्ट स्टेज पे थे कि भाई कौन से कॉलेज में जाना है, तो इसी तरीके से आगे जाके कौन से यूनिवर्सिटीज में हमें दाखिला लेना है। तो उसके लिए हमने क्या किया अब, या आप कौन क्या कदम उठा रहे हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं जब पिटारो आया था, मेरा प्योर मिलिट्री बैकग्राउंड था, बिल्कुल लेकिन मेरे पास जो दो, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक लंदन यूनिवर्सिटी का मेरा एक्सपोजर था, जो बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरा, जहां मैं पता चला पढ़ाई होती कैसे। फिर उसके बाद जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया, वहां से मैंने MPhil भी किया और सॉर्ट ऑफ डॉक्टरेट लाइक पेपर मैंने लिखा, तो फिर मुझे पता चला पढ़ाई होती क्या है। अच्छा, इसी पढ़ाई में फिर मेरे अपने बच्चे बड़े होके इस लेवल पे आना शुरू है पढ़ाई की, तो फिर मुझे पता चला कि इन बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटीज में कैसे, कैम्ब्रिज कैसे पढ़ते हैं, गाइडेंस कैसी होती है, काउंसलिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता थी, वो मैंने देखी। जब मैं पिटारो आया इधर, ये मैंने चीजें देखी तो ये चीजें होती ही नहीं थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने आके एक दफा किसी को, टीचर को मजाक में भी कहा कि आप लोग तकरीबन 18 से 20 साल पीछे हैं वक्त से अभी, और ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। आप लोग पत्थर के जमाने में दुनिया कहीं की कहीं जा चुकी है, पिटारो का ये नहीं है। तो उसके लिए हमने पिछले 2 साल से जो हमने शुरू किया, उसमें जैसे ये ISSB का आपने बताया, ISSB की बेसिकली कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, बेसिकली बताना होता है उस बच्चे को कि होता क्या, ये टेस्ट क्या होता है, 4 दिन क्या करते। तो उसके लिए हमने 2 साल से वर्कशॉप करते हैं, 3-3 दिन की, प्रॉपर ISSB के लोग जो वहां रहे होते हैं, टीम नेवल हेडक्वार्टर कह के, वो इधर आते हैं, वो रहते हैं हमारे साथ और इन बच्चों के साथ 3 दिन गुजारते हैं, इनको लेक्चर भी देते हैं, इनको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में भी बताते हैं, चीजें भी बताते हैं। वो बताते हैं कि हमें कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए होता, हमें एक नॉर्मल एक इंसान चाहिए होता है, एक बच्चा जो कि जो काम कर सके, बाकी तो फौज सिखाती है। दूसरी चीज इसके अलावा, जैसे इस साल मैं खुद नेवल हेडक्वार्टर से कह के मैं 2-3 दिन के लिए खुद ISSB सेंटर गया, उनके साथ रहा 3 दिन खुद, और ये चेक करने के लिए। अच्छा, इसी जब मैं 3 दिन वहां रह रहा था, तो उधर हमारे बच्चे भी ISSB देने आए हुए थे पिटारो के, तो उन्होंने मुझे साथ दिखाया कि ये देखें आपके कैडेट्स के क्या इश्यूज हैं यहाँ पे, वो आप देखें, ताकि वो तरबियत आप पिटारो में सही कर सकें इनकी। ये तो था ISSB का। लेकिन आर्म फोर्सेस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जाने के लिए मिलिट्री कॉलेज है, आपको कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए होती है। आजकल जैसे एक आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए 65% आपको इंटर में नंबर चाहिए होते हैं, ISSB क्वालिफाई करें,
और अगर आप मेरिट पे आएंगे तो आप ज्वाइन कर देंगे, बाकी आपको फौज खुद सिखाती है, उनका बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का एक सिस्टम है ट्रेनिंग का। तो लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी का मेजर पार्ट होता है इन कैडेट्स का, हमें नहीं पता मेडिकल यूनिट में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, किस में जाएगा हमें नहीं पता। तो अब पिछले 2 साल से अब एक और चीज भी करा रहे हैं हम, यूनिवर्सिटीज को बुलाते हैं एक्चुअल कैरियर काउंसलिंग के लिए नस्ट वालों को, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से उनकी प्रॉपर टीम आई हमारे साथ रही एक पूरे दिन, कैडेट्स के साथ बैठी, उनको बताया कि हम क्या करते हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, ऑप्शंस कौन सी अवेलेबल है, पढ़ाई के लिए क्या क्या चीज, पूरी एक काउंसलिंग वाला पार्ट किया। फास्ट वाले हमारे पास आए, आईबीए के थे, लम्स वालों ने अभी हमारे पास आने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले हमारे पास आए, ये तो यदि वो जो है कि अब यूनिवर्सिटीज वाले हमारे पास कैडेट आते हैं। अच्छा, ये तो काउंसलिंग वाला पार्ट है, उन्होंने बता दिया ये आपने काम करना है और क्वालिफाई करना है एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें ये चीजें करनी है, ये परसेंटेज होती है क्वालिफिकेशन के लिए। उसके लिए अब हमने क्या किया है, सैटरडे वाले दिन तो जो पहला हमारा हाफ डे होता था, अब वो फुल डे होता है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर है वो ई कैट, एम डी कैट और ये सारी की जितनी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम की, इसकी प्रॉपर हम पढ़ाई कराते हैं और कुछ नहीं कराते होते। और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द डे होता है उसमें अभी जैसे 150 कैडेट्स है उनको सेट की क्लासेज अटेंड कराते थे, सेट की टीचिंग प्रॉपर। उसमें से जब वो तैयार हो जाते हैं, अभी जैसे कल ही था सेट का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम था, तो उन सारों में से 100-150 में से कि ऑप्ट किया 20-25 ने कि जी हम बैठना चाहते हैं, ठीक है आप रजिस्टर हो, अगले ब्लॉक में होंगे। तो वंस दे आर थ्रू इन जुलाई बोर्ड के एग्जाम से, तो जैसे इन्होंने अभी नस्ट का एग्जाम भी दे दिया है, लम्स का भी दे दिया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी दे दिए हैं, ISSB के, एयरफोर्स का भी दे दिया है। अच्छा, इन सेशंस का फायदा क्या हुआ है, पहले साल जब मैं पिटारो में था तो सिर्फ 2 कैडेट्स ने अप्लाई और रजिस्टर हो सके थे हमारे एयरफोर्स में, इस साल 156 हुए, जिनमें से 96 ने उनके बेसिक एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, नाउ दे आर रेडी टू गो टू ISSB। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, नेवी का भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, उसमें भी हमारे कोई 100 बन जाते 150 और इसी तरह ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आ गई जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो इन सेशंस का फायदा, तो वही कह रहे हैं बच्चे अच्छे हैं, इनको बात है, दे ओनली नीडेड समवन टू टेल देम करना क्या आपको, तो वो प्रेशर हम पे होता है। हमारी जो अभी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है बोर्ड से मुराद जैसे बाकी सब, हम फेडरल बोर्ड भी है, कैम्ब्रिज भी है, कोई इशू नहीं है, हैदराबाद बोर्ड का जैसे अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है। अब वो जब लेट होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि जब तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा यू कैन नॉट सेट। तो उस बच्चे ने तैयारी भी, हमने यानी मार्च तक आते हुए पूरा सिलेबस करा के उनको तैयार करा दिया, वो बैठ नहीं सकता क्योंकि मई में रिजल्ट आएगा। सही। तो वो जो आपका पार्ट है कि पिटारो में जो चीज है वो जो बच्चा लेके आया वो तो है, जो मिसिंग थी वो हमने एड कर दी है सारी, कि जैसे 5 दिन पढ़ाते हैं 1 दिन पूरा आगे क्या करना है आपने, और बच्चे को ऑप्शन देते हैं क्या करना है।